Hello students, this is Mahesh Nagar and you are watching English from home. Today we are going to discuss about English literature. Here I brought a summary of a lesson. Let's see, last lesson. This is the lesson of class 12th NCERT book Flamingo. अभी फिलहाल की कंडीशन में अगर हम देखें तो एग्ज़ाम आने वाली है, बोर्ड एग्ज़ाम CBSE की भी और MP बोर्ड की भी और बाकी सभी बोर्ड्स की भी एग्ज़ाम जल्दी ही डिक्लेयर होगी. तो मैंने सोचा कि कुछ समरी जो है वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाए, ऐसी मैं समरी आपको बना दूं. लास्ट तक वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा किस तरह से ये सारी चीज़ें चलती है एंड डेफिनेटली इट विल बी बेनिफिशियल टू यू. दूसरा, PGT KVS ने अपनी वैकेंसी निकाली है जहाँ पर PGT जो इंग्लिश PGTs है उनके लिए सिलेबस में ये 11th और 12th के कुछ लेसन्स हैं जिनको कवर करना ज़रूरी है. तो अगर आप इंग्लिश PGT के लिए प्रिपेयर भी कर रहे हैं, चाहे आप MP बोर्ड से हों, चाहे आप मींस MP में करना चाहते हो या सेंट्रल बोर्ड में, डेफिनेटली इट विल बी बेनिफिशियल टू यू. लास्ट लेसन के जो राइटर हैं उनका नाम है अल्फांस डॉडेट. एक फ्रेंच प्लेराइट, नॉवलिस्ट, स्टोरी राइटर थे. इन्होंने हर सेगमेंट में यानी कि लिखने की कोशिश करी है. फ्रेंच में स्पेशली इन्होंने लिखा है और बाद में उनको ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी हुआ है. नेक्स्ट, ये जो पर्टिकुलर लेसन है, लास्ट लेसन, ये स्टोरी जो है वो हिस्ट्रिकल इवेंट पर डिपेंड है और इसका टाइम है, इसका सेटिंग टाइम है, वो है फ्रेंको पर्सियन वॉर इन 1870-71. इस दौरान जो है वो बिस्मार्क ने अटैक कर दिया था अल्सेस और लॉरेन नाम के डिस्ट्रिक्ट पर जो कि फ्रांस में थी. तो यहाँ पर वो लोग आ गए थे, वहाँ की कहानियों से इन्फ्लुएंस होकर यहाँ पर स्टार्ट करिए. स्टोरी शुरू होती है, एक लड़का रहता है छोटा सा जिसका नाम रहता है फ्रेंच. वो मॉर्निंग के टाइम पे अपने स्कूल के लिए निकलता रहता है. ही वॉज अफ्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग. उसको डर रहता है डार्ट का डर. क्यों रहता है? कि उनके एक टीचर रहते हैं जिनका नाम रहता है एम हैमल. ये दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जिनके बारे में हमें याद रखना है. एम हैमल का एक डर रहता है कि एम हैमल ने उनको पार्टिसिपल पर एक लेसन दिया था और वो पार्टिसिपल का लेसन उसने याद नहीं किया था. जब वो जल्दबाजी में अपने स्कूल की तरफ जाता रहता है, ठीक है, जल्दी, तो वो टाउन हॉल के पास से निकलता है. टाउन हॉल एक ऐसी जगह रहती है शहर में जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह रहते हैं. उस टाउन हॉल के पास से वो निकलता है, वहाँ पर वो भीड़ देखता है कि एक बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ है. बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ देख के उसके दिमाग में एक बात आती है. वो रिकॉल करता है अपनी मेमोरी को और सोचता है कि यही वो बुलेटिन बोर्ड है जहाँ से पिछले 2 साल में खराब समाचार आ रहे हैं, यानी कि बेड न्यूज़ जो है वो लगातार आ रही है. जैसे कि हम युद्ध में हार गए, वी हैव लॉस्ट द वॉर एंड ऑल अदर ऑर्डर्स फ्रॉम कमांडिंग ऑफिसर के भी जो ऑर्डर्स है वो वहीं से आते हैं. तो सारी बेड न्यूज़ वहीं से आ रही है. तभी उसके पीछे से कोई उसको बुलाता है और बुलाने वाले एक ब्लैक स्मिथ रहता है और एक वॉचर रहता है. वॉचर जिसको हम बोलते हैं कि चौकीदार या गार्ड जिसको हम बोलते हैं आज की डेट में, वॉचमैन, वो उसको आवाज़ लगाते हैं और उससे कहते हैं कि ठहरो बब. BUB बब का यहाँ पर यूज़ हुआ है. ये बब का मतलब होता है बच्चू या छोटा बच्चा. रुक जाओ बच्चे, तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? अभी तो तुम्हारे स्कूल में प्लेंटी ऑफ टाइम है, यानी कि बहुत समय है तुम्हें पहुँचने के लिए. तो फ्रेंच को ऐसा लगता है कि कहीं वो उसकी मजाक उड़ा रहे हैं और इसलिए वो उनको ऊपर ध्यान ना देते हुए वो आगे बढ़ जाता है. ऑन दैट डे ही वॉज थिंकिंग कि मैं शायद स्कूल ना जाऊं, मैं बाहर ही रहूं. देखो कितना हसीन शाइनिंग यानी कि सनशाइन है, बिल्कुल तेज धूप भी है. और वो चाहता है कि वो वुड्स की तरफ जाए, जंगल की तरफ जाए जहाँ पर वो बर्ड्स वगैरह को देखे, उनकी चिरपिंग को सुने. लेकिन एट द सेम टाइम मीनवाइल वो देखता है कि जो 100 मील है, एक मील रहती है, उस मील के पीछे पर्शियन आर्मी जो है वो ड्रिलिंग कर रही थी. तो उनको देखकर वो डर जाता है और सोचता है कि इससे बेटर तो शायद पार्टिसिपल ही है, मैं वहीं चलता हूँ. जब वो स्कूल पहुँचता है एम हैमल के गार्डन में, स्कूल गार्डन में जब वो पहुँचता है तो वो देखता है कि कोई नॉइस जो है वो स्कूल से नहीं आ रही थी. उनका क्लासरूम पूरा स्टिल था, साइलेंट था. एज संडे मॉर्निंग, ये यूज़ किया उसने, संडे मॉर्निंग से कंपेयर किया है ऑदर ने उस दिन को. तो संडे मॉर्निंग की तरह पूरा स्कूल जो है वो साइलेंट था. नो बसल ऑफ बेंचेस. बसल वर्ड का यूज़ किया है यहाँ पे, ये कीवर्ड से इनको ध्यान रखना है. बसल का मीन्स होता है रैपिंग साउंड ऑफ बेंचेस, यानी कि बेंचेस को इधर उधर खिसकाने का या उनको ऊपर उनको ठोकने पटकने का जो आवाज़ है वो नहीं आ रही थी. दूसरा, उसने देखा कि सारे बच्चे एकदम साइलेंट बैठे हुए हैं और एम हैमल भी जो है वो चुपचाप खड़े हुए हैं. उनका रूलर जो डंडा रहता है जो कि अक्सर रैप करता है, आवाज़ करता है बेंचेस पर, उसकी आवाज़ आती है, वो आवाज़ आज नहीं आ रही थी. एवरीथिंग वॉज साइलेंट एंड क्वाइट. सब कुछ शांत था.
दूसरी चीज, ये सब देखकर वो काफ़ी सरप्राइज होता है फ्रेंच और चुपचाप अपने बेंच पर जाने की कोशिश करता है। इस दौरान एम हैमल उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है, कि हाँ कोई आया है, और बड़ी ही पोलाइटली, जैसे कि उनका नेचर था उसके जस्ट अपोजिट, वो उसको बड़े ही पोलाइटली बोलते हैं कि लिटिल फ्रेंच गो टू योर बेंच एंड सिट प्रॉपरली। साइलेंटली वो चला जाता है। इस चीज़ को देखकर वो सरप्राइज होता है, लेकिन एक और नई चीज़ उसका इंतज़ार कर रही थी, वो काफ़ी सरप्राइजिंग थी। और वो सरप्राइजिंग ये थी कि अक्सर उनकी लास्ट बेंच जो है क्लास की वो खाली पड़ी रहती थी, एम्प्टी बेंचेस रहती थी, बट टुडे दीज बेंचेस वर ऑक्यूपाइड। उस दिन वो बेंचेस ऑक्यूपाइड थी, यानी कि भरी हुई थी, और वहाँ पर कुछ गांव के लोग आकर बैठे हुए थे। उन गांव के लोगों में कुछ खास लोग भी थे, जैसे कि फॉर्मर मेयर था, एक ओल्ड हाउसर, हाउसर यहाँ पर यूज़ किया है वो व्यक्ति जो कि लॉज का मालिक रहता है, एक ओल्ड हाउसर यानी कि बूढ़ा लॉज का मालिक वहाँ पर बैठा रहता है, एक फॉर्मर पोस्टमैन अलॉन्ग विथ अदर विलेजर्स, सेवरल अदर विलेजर्स वर ऑल्सो देयर, वो भी वहाँ पर थे। ये चीज़ उसको सरप्राइज करती है, वो सोचता है कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। जैसे ही वो जाकर बैठता है, एम हैमल अपनी चेयर पर जाकर बैठते हैं और एक शॉकिंग न्यूज़ देते हैं कि आज का जो लेसन होगा अपना फ्रेंच में वो लास्ट लेसन होगा, क्योंकि बर्लिन से ये ऑर्डर आया है बिस्मार्क की तरफ से कि कल से एल्सेस एंड लॉरेन के जितने भी स्कूल्स हैं इन डिस्ट्रिक्ट में उनमें जर्मनी पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। यानी कि सीधी सी बात है, जो इन्वेडर था जिसने वो डिस्ट्रिक्ट ऑक्यूपाई किया था उस ही इन्वेडर की लैंग्वेज वहाँ पर चलाई जाएगी, और ये ऑर्डर आ चुका था कि अब से फ्रेंच जो है वो नहीं पढ़ाई जाएगी। इस बात को सुनकर फ्रेंच शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि अभी तो मैंने फ्रेंच में इवन एक सिंगल वर्ड भी लिखना या पढ़ना नहीं सीखा है। तो ये काफ़ी बेड था अपनी लैंग्वेज के लिए, उसको बुरा लग रहा था। एम हैमल के लिए भी उसको बुरा लग रहा था। एम हैमल कहते हैं कि आज मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे चिल्ड्रन जो है, जो बच्चे हैं वो अटेंटिव रहे, क्योंकि आज का लेसन लास्ट लेसन होने वाला है, तो आप ध्यानपूर्वक सुने, ध्यानपूर्वक इसको सारी चीज़ों को पढ़ें। एक के बाद एक अलग अलग सब्जेक्ट में हिस्ट्री, ग्रामर और राइटिंग का अलग अलग लेसन उन्होंने पढ़ाया। राइटिंग का जब लेसन वो पढ़ा रहे थे तो उनने आज सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी बच्चों के लिए एक स्पेशल नोटबुक जो है वो लेकर आए थे, वो दी, और सभी बेंचेस पर वो नोटबुक जब रखी तो उसमें कुछ फ्लैग जो था फ्रेंच का वो, और उस कुछ लेटर्स जो थे उनमें लिखा हुआ था, और ऐसा लग रहा था मानो पूरी क्लास में हर बेंच के ऊपर नेशन का फ्लैग लगा हुआ है। ये काफ़ी पैट्रियोटिक टाइप वाली बात हो गई थी वहाँ पर, क्योंकि डेफिनेटली अपनी लैंग्वेज, अपनी मातृभाषा पैट्रियोटिक होती, पैट्रियटिज्म को बढ़ावा देती है, हमारी रूट होती है। आगे चलते हैं तो एम हैमल आगे अपनी बात को जारी रखते हैं और कहते हैं कि किस तरह से हमारी लैंग्वेज जो है वो हमारा इम्प्रिजनमेंट की होती है। वो खुद पर भी दोष लेते हैं और पेरेंट्स को भी दोष देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे बच्चे अभी तक नहीं सीख पाए, इसका कारण ये भी हो सकता है कि पेरेंट्स जो है वो बच्चों को सिखाने की जगह अपने काम में भेज देते हैं, क्योंकि अक्सर होता ही है कि आज कोई स्पेशल काम है तो चलो वो काम कर लो, स्कूल कल चले जाना। एम हैमल खुद को भी उसके लिए दोषी मानते हैं और वो कहते हैं कि हाँ मैंने भी गलतियाँ की है, क्योंकि मैं कई बार छुट्टियाँ लेता था और कई बार मैं अपने गार्डन में पानी डालने के लिए बच्चों को भी बोलता था, ये भी कहीं ना कहीं जो है वो प्रॉपर लेसन नहीं दे पाया मैं, ये मेरी गलती हुई है। अब फ्रेंच समझ चुका था कि एक व्यक्ति जो 40 साल से अपनी जगह, एक जगह था जहां पर 40 साल उसने बिताए हैं, कुछ अलग अलग एग्जांपल देकर वो बताता है कि किस तरह से एक उनके गार्डन में एक लता, एक बेल जो है उन्होंने लगाई थी वो आज छत तक पहुँच चुकी है, किस तरह से पेड़ जो है वो छोटे से पौधे से बड़े बड़े हो चुके हैं इतने साल का टाइम, और किस तरह से उस व्यक्ति को बुरा लग रहा होगा, यानी कि एम हैमल के लिए फ्रेंच को काफ़ी बुरा लगता है कि किस तरह से अपनी जगह को छोड़कर वो जा रहा है। यहाँ पर इस लेसन में, इस स्टोरी में डिस्प्लेसमेंट की थीम आ रही है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होना या चले जाना। अब तो ऐसा लग रहा था मानो एम हैमल जो है वो उनकी मन भराया था, बहुत ज़्यादा इमोशनल वो हो गए थे, और जब भी लिटिल फ्रेंच अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से मैं जब उनकी तरफ देखता तो मानो वो किसी एक चीज़ को थोड़ी देर देखते रहते, फिर दूसरी चीज़ की तरफ देखते तो वहाँ भी थोड़ी देर देखते रहते थे, मानो एम हैमल जो है उस दिन सब कुछ अपनी आँखों में कैद करके ले जाना चाहते थे।
उसी दौरान फ्रेंच ये भी कहता है कि ऊपर जो रूम था वहां से कुछ आवाजें आ रही थी, और वो आवाजें जो थी कि एम हैमल की जो सिस्टर है वो पैकिंग कर रही थी। अब यहां पर बहुत बुरा लगता है, फाइनली एम हैमल अपनी चेयर से उठते हैं, बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, एक चौक का टुकड़ा उठाते हैं और वहां पर कुछ वर्ड्स लिख देते हैं, वाइव ला फ्रेंच। वाइव ला फ्रेंच का मतलब होता है फ्रेंच जुग जुग जियो। और यहां पर हमारी स्टोरी का एंड होता है। डेफिनेटली स्टूडेंट्स, ये स्टोरी जो है वो हमारे अंदर, आपके अंदर और इवन सबके अंदर जो है एक पैट्रियोटिक फीलिंग क्रिएट करती है। ये बताती है कि किस तरह से हमारी अपनी लैंग्वेज जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमारी अपनी आइडेंटिटी होती है इंडिविजुअल की, इवन नॉट ओनली फॉर इंडिविजुअल बट ऑल्सो फॉर द कंट्री। हमारी रूट्स इसी में है और यही हमारे कम्युनिकेशन का सोर्स होता है। याद करिए वो दौर 1857, जब एक रिवोल्ट हुआ था, ग्रेट रिवोल्ट हुआ था अगेंस्ट फॉर फ्रीडम अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। आप ने अगर पढ़ा हो तो उसके फेल्यूअर का एक बड़ा रीज़न जो था वो कॉमन लैंग्वेज थी। कॉमन लैंग्वेज यानी कि इंडियंस की एक ऐसी लैंग्वेज कॉमन नहीं थी जिसमें कि वो कम्युनिकेट कर पाए, और लैंग्वेज कॉमन ना होने के कारण इनके जो हम कह सकते हैं एक दूसरे से कनेक्ट होने का जो सोर्स था वो नहीं मिल पाया, और इस वजह से अलग अलग जगहों पर रिवोल्ट हुआ। सोच के देखिए, अगर एक एक साथ सारे लोग मिलकर रिवोल्ट करते तो मुट्ठी भर अंग्रेज कितने दिन टिक पाते थे। तो यहाँ से हमें सीखने को मिलता है कि हमारी हिंदी लैंग्वेज जो है, हमारी मातृभाषा जो है, वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। वो ये केस जो है वो फ्रेंच का है, ठीक है, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड होप कि आपको समझ में आई होगी सारी चीज़ें। इसका क्रिटिकल एनालिसिस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, किस तरह से इसकी थीम है, ठीक है, और किस तरह से इसमें लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ किया गया है उन सब का हम, और क्यों लिटिल फ्रेंच को एज ए नरेटर यहाँ पर लिया गया है। राइटर खुद अपने आप को ले सकता था, एक छोटे बच्चे को क्यों लिया है, इसका भी एक कारण है अपना, ठीक है, और क्या क्या थीम है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और है इस लेसन में जो कि हमें याद रखना चाहिए हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप 12th क्लास में स्टडी कर रहे हो, और स्पेशली फॉर दोज हु वांट टू अपीयर इन KVS PGT, उनके लिए तो यह बहुत जरूरी है क्रिटिकल एनालिसिस करना। सो आज के इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।